ये एतमा तो विनायक भवन से स्टार्ट हुआ और मेन पूरे बाजार पर निकाला गया। और ये क्यों निकाला गया ये तो सभी जानते हैं, जो अपनी बेटी बहन के साथ जो दुर्घटना हुई, जो वैश्य दर्द किया गया उनके साथ हादसा, उसे बुलाया नहीं जा सकता। ये आम हो गया है हर समय हर घटना को। मैंने एक आज एक पोस्ट डाली है कि स्याही रुकती नहीं है अखबार की जब तक ना कोई एक बलात्कारी खबर आई जाती है। तो ऐसे अपराधियों के लिए कोई ना कोई ऐसा सरकार को कानून बनाना चाहिए जिससे कि दहल जाएं, आगे से ऐसी घटना ना करें। जिस प्रकार से हमारे समाज में कुछ कृतज्ञ लोग हैं, आए दिन जगह जगह स्थानों पर हमारी बहन बेटियों को बलात्कार का शिकार बनाते हैं और बलात्कार करने के बाद उनके शरीर को क्षतिग्रस्त करने के बाद उनके सब को भूसा वगैरह में दबाकर उनके साथ बर्बरता करते हैं। और बड़े विडंबना की बात यह है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती ऐसे लोगों के खिलाफ, और कोई भी कानून नहीं है इस देश में जिससे कि बलात्कार हो जाए और बलात्कार पीड़ित बेटी को न्याय मिल सके। आखिर कब तक हम लोग ये कैंडल रोड पर निकालेंगे, कब तक? सरकार से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना और आदेश भी है कि ऐसे बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाकर सीधा सीधा फांसी का कानून बनाया जाए। हम कब तक आहुति दें इन कैंडलों से? सरकार से निवेदन है, आदेश भी है कि इन बलात्कारियों के लिए ठोस कदम उठाए जाए और सीधा एक फांसी का कानून बनाया जाए। बिल्कुल सही बात है कि लातों के भूत कभी बातों से नहीं मारेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा।